दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि सरफराज ने आज बाज की चाल चली, मतलब जितनी तेजी से उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी बनाई है उतनी ही तेजी से उन्होंने उन सभी लोगों के गालों पर करारा तमाचा दिया है जो उन्हें डिजर्विंग नहीं समझते थे, जो उन्हें ट्रोल करते थे उनके वेट को लेकर, उनकी स्किल्स को लेकर। साथ ही साथ हमें दो दो प्लेयर की सेंचुरी भी देखने को मिली, कुछ सपने भी टूटे। कुल मिलाकर बात यह है कि आज की पारी बहुत ही एंटरटेनिंग थी, एकदम कभी खुशी कभी गम की तरह। तो चलिए आज की कहानी आपको सुनाते हैं, मैच की पारी की कहानी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ गरिमा हमारे चैनल स्पोर्ट्स अप पर। मैच की कहानी कुछ इस तरह से रही कि शुरुआत बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, बहुत ही ठंडी थी। मतलब यशस्वी जायसवाल 10 रन पर, पाटीदार 5 पर, तो गिल तो 0 पर ही निकल लिए, उधर वो निकल लिए, इधर मैं ही निकलने वाली थी क्योंकि एक पॉइंट पर आकर मुझे लगा कि ये मैच तो भाई इंडिया के हाथ से गया। लेकिन जैसे तैसे रोहित शर्मा ने भाई संभाल लिया, वो क्रीज पर मौजूद थे तो मुझे थोड़ा सा सबर आया। रोहित शर्मा वैसे भी मेरे फेवरेट प्लेयर हैं तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे हमेशा ही उम्मीदें रहती है, लेकिन उनका साथ दिया जडेजा ने और रोहित और जडेजा ने एक एक्शन मूवी की तरह भाई दोनों ने इंग्लैंड के बॉलर्स पर अपने बल्ले से तोपे चलाई है। दोनों की 204 रन की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप देखने को मिली। हालांकि रोहित शर्मा 131 रन बनाकर आउट हो गए, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज तो भाई रोहित शर्मा भी डबल सेंचुरी बना ही डालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, जडेजा भी भाई अलग ही फॉर्म में देखने को मिले। मुझे तो लगता है कि हाल ही में जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई ना उनको लेकर, उनके फादर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि मुझे अपने बेटे को क्रिकेटर ही नहीं बनाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि वह जडेजा जी के दिल पे लग गई है वो बात। इसलिए उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि मैं क्रिकेटर बनने के लिए ही पैदा हुआ था और क्रिकेट ही खेलूंगा। भाई सच में बहुत ही अच्छी पारी खेली उन्होंने, इनफैक्ट अभी भी वो 110 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं। साथ ही साथ फिर रोहित के बाद उनका साथ दिया सरफराज खान ने। अब सरफराज खान के बारे में मैं क्या कहूं यार, उनको देखकर लगा ही नहीं कि उनका डेब्यू था। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने टेस्ट में खेला है कोई नहीं कह सकता कि वो पहली बार खेल रहे थे, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ आप ये सोचिए ना कि उनका डेब्यू था, कितना प्रेशर होता है, टीम की एक्सपेक्टेशंस होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, उनके फादर भी उनको सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे, काफ़ी इमोशनल मोमेंट भी हमें देखने को मिले। तो ऐसे में इस तरह से खेलना एक बहुत ही मतलब काबिले तारीफ वाली बात है। उन्होंने बहुत ही अच्छा 100 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अनलकी रहे, वो रन आउट हो गए, जिसका मुझे बेहद अफसोस हुआ। मतलब मेरा रोने वाला हाल हो गया था उनको ऐसे देखकर, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज तो भाई सेंचुरी भी बनाकर ही छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, आगे भी उन्हें मौका मिलेगा, ऐसी परफॉर्मेंस देखकर तो उन्हें मौका देना बनता भी है। खैर उसके बाद जडेजा जी का साथ देने आए कुलदीप यादव और आज की पारी यहीं पर समाप्त हो गई थी। 326 रन पर टीम इंडिया 5 विकेट खो चुकी है, अब आगे की इनिंग कल शुरू होगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सिर्फ सरफराज खान का डेब्यू नहीं था, ध्रुव जुरैल का भी डेब्यू है। कुलदीप और जडेजा के बाद ध्रुव जुरैल खेलने आएंगे, अब देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट में वो क्या परफॉर्म करेंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे और टीम इंडिया ये स्कोर कहां तक लेकर जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि 450 के करीब चला जाए, वैसे मेरी उम्मीद थोड़ी ज्यादा है लेकिन कुछ भी हो सकता है यार, उम्मीदें तो लगानी चाहिए तभी चीजें हो भी पाती है। खैर आपको क्या लगता है, टीम इंडिया स्कोर कहां तक ले जा सकती है और आपको आज की पारी में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलती हूं एक नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टाटा बाय बाय।